ग्रीटिंग्स फ्रॉम वेट फॉर पेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चॉकलेट टॉक्सिसिटी के ऊपर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम अपने घर में जब अपने लिए चॉकलेट लेके आते हैं तो हम प्यार प्यार में अपने पेट्स को भी जो है चॉकलेट खाने के लिए दे देते हैं। खासतौर से बच्चे ऐसा करते हैं, टॉफ़ीज होती हैं जो खाने के लिए दे दी जाती हैं, कई बार हम चाय पिला देते हैं, कई बार बहुत सारे इस तरह की जो वैरायटी ऑफ फूड्स हैं वो हम पिला देते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको मिथाइल जेंथिन्स कहते हैं। ये दो तीन तरह की कैटेगरी के होते हैं, जैसे कि कैफीन, थियोब्रोमिन, थियोफायलिन। ये तीन तरह के जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं ये वैरायटी ऑफ ह्यूमन फूड्स में पाए जाते हैं, जैसे कि चॉकलेट के अंदर पाया जाता है, ये चाय के अंदर होता है, टी, ये बहुत सारे हर्बल मेडिकेशन है उसमें भी मिल सकता है, इसके अलावा कोकोआ बीन्स, ठीक है, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। तो कई बार हम अपने एनिमल को प्यार प्यार में कॉफ़ी भी पीने को दे देते हैं, चाय भी पीने को दे देते हैं, चॉकलेट भी खिला देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में डॉग्स को टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। और कुछ फूड ऐसे हैं जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो ठीक है लेकिन पेट्स के कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनमें से चॉकलेट नंबर वन है, चाय, कॉफ़ी ये सब भी नहीं देना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, आपने डॉग्स को चॉकलेट वगैरह दे दी, अगर कम अमाउंट में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कई बार क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट जो है डॉग खा लेता है या गलती से ऐसा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में डॉग्स को कुछ सिम्टम आपको देखने के लिए मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि चॉकलेट खाने के बाद एनिमल की सडन डेथ हो जाती है, कभी कभी चॉकलेट खाने के बाद एनिमल्स के अंदर सीजर्स आने शुरू हो जाते हैं, एनिमल खाना पीना छोड़ देता है, एनिमल को चलने में दिक्कत होती है, चलते चलते गिर जाता है, डायरिया भी लग सकता है, वोमिशन भी हो सकता है, खाना पीना छोड़ सकता है, इवन उसका जो यूरिन है उसको यूरिन करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ सकती है, यूरिन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा पानी पिएगा एनिमल, सांस लेने में एनिमल को दिक्कत आएगी, इवन एनिमल का जो बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है, एग्रेशन जो है वो दिखा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम जो हैं वो आपको देखने में आ सकते हैं, तो हमें बड़ी सावधानी के साथ जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपने डॉग्स को चॉकलेट, चाय, कॉफ़ी या इस तरह की चीज़ ज़्यादा कंज्यूम ना कराएं या गलती से भी ऐसा ना हो। धन्यवाद।